ओम शांति। संगम योग, पुरुषोत्तम संगम योग बहुत ही महान युग है। बेशक चार युगों में छोटा है, लेकिन छोटा होते भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। सतयुग अगर गोल्डन युग है, त्रेता सिल्वर युग है, द्वापर कापर युग है, कलयुग आयरन युग है। ये विशेष पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड युग है, जिसमें हम सब आत्माएं कौड़ी से हीरे जैसे बनते हैं। बाप का भी संगम होता है आत्मा परमात्मा का, तो कल्प के बिछड़े हुए आत्माओं का भी संगम होता है। ब्राह्मणों का आपस में संगम होता है, कलयुग और सतयुग का भी संगम है। ऐसे संगम युग में हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर दिन विशेष दिन है और हर मास बहुत बहुत विशेष है। और इस यज्ञ के अंदर अगर 12 मास है, तो हर मास कोई ना कोई हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण है। जैसे जनवरी मास आते ही बाबा की याद आती, पिताश्री की, उनके साथ बिताए हुए दिन, वो बचपन के दिन, सब कुछ स्मृति में आ जाते हैं, मानस पटल पे जैसे सामने आ गए और स्वतः ही बिताए हुए दिन याद आते हैं, उनकी पालना याद आती है, शिक्षाएं याद आती है और वही शब्द कानों में गूंजते हैं जो शिक्षा मिली। इसी तरह से जून मास मातेश्वरी जगत अम्बा सरस्वती माँ का मास आ जाता है, एक तपस्वी मास, वरदानी मास। और जुलाई मास हमारी बहुत बहुत परम आदरणीय मीठी मीठी प्यारी प्यारी दादी दीदी की वो यादें आ जाती हैं। मैं जब ज्ञान में आई, पहले तो दीदी जी को देखा ही नहीं था। सब प्रथम मैंने कानपुर में साकार बाबा आए हुए थे, दीदी जी को देखा। और वो घड़ी भूलती नहीं है जब हम लोग गांव से पैदल चल करके आए थे और सारा दिन जहाँ बाबा रुके हुए थे कोठी में, वहाँ ठहरे हुए थे, बाहर लान में बैठे थे और बाप से ही कहते थे कि हमको वतन से बाबा ने बुलाया है, हम लोग आए हैं और बाबा तक मेरा कोई संदेश पहुँचा दे। तो सभी लोग इस बात को हंसी में ले लेते थे, इनका ना कोई सेंटर से कनेक्शन है, ना कोई पत्र लेकर के आए हैं, ना कोई सूचना है, कैसे बाबा ने वतन से इनको बुला लिया और ये लोग चले आए। सुबह से शाम हो गई थी तो इतने सभी महारथी कानपुर में आए हुए थे या जो लोकल थे, किसी ने भी हम लोगों का पैगाम बाबा तक नहीं पहुंचाया। लेकिन बड़ी दीदी, ऐसे कहें विशाल दिल वाली, या दीदी को लगा कि ये सब सारा दिन बैठे हुए हैं, जरूर कोई बात है, दीदी के अंदर रहम की भावना आ गई, अंदर से वो प्यार दीदी को आया और दीदी को एक तरस कहें, रहम कहें, प्यार कहें, वो सब कुछ मिश्रित था। बड़ी दीदी ही हम लोगों के पास रात को 10 बजे आई और आ करके बोला कि चलिए बाबा आप सबको बुला रही हैं। तो बहुत बहुत खुशी हुई और दीदी के प्रति बहुत एक सम्मान कहिए, स्नेह कहिए, दीदी के प्रति मन में बैठा कि दीदी ने हम सबकी बात को बाबा के सामने रखा। यदि दीदी नहीं पहुंचाती तो शायद कोई भी बाबा को बताने वाला नहीं था। इसलिए दीदी के प्रति बहुत भावना बैठ गई कि दीदी सबके दिलों को जानने वाली है और दीदी सबके मन को, भाव को पढ़ने वाली है। इसलिए दीदी ने रात को बाबा को सुनाया कि बाबा एक ऐसा ग्रुप आया हुआ है और वो दिन भर से बैठा हुआ, रात 10 बज रहा है, जनवरी का मास था, और वो कहता बाबा ने मुझे वतन से बुलाया है, क्या करके यहाँ मिलो। दीदी का इतना ही बोलना था और बाबा ने कहा तुरंत उनको बुलाओ। जैसे कहते हैं सुदामा जब श्री कृष्ण से मिलने गए तो कोई भी द्वारपाल या और भी मंत्रीगण सब हंसते थे, ये श्री कृष्ण के सखा हैं, ये दोस्त हैं, उनकी एक फटी हालत को देख करके कोई अंदर नहीं जाने देता था। लेकिन जब श्री कृष्ण को दिखाया, बताया गया कि ऐसा कोई आया है और वो बताता है सुदामा मेरा नाम है, मैं उनका दोस्त हूँ, तो श्री कृष्ण कैसे नंगे पांव ही दौड़ पड़े। तो दीदी ने जा करके जो बाबा को बताया, बाबा ने उतने ही प्यार से सिक लद्दे बच्चे कहके बुलाया। तो जो भावना हुई वो दीदी के प्रति हुई कि यज्ञ में अगर
किसी की आस पूरी करने वाली इस समय है तो दीदी जी है। तो बहुत ही दिल में रहा, फिर तो चलते रहे, पर दीदी के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ थे हम लोग कि दीदी ने बाबा को हमारी बात बताई और दीदी ने ही बाबा से मिलवाया। तो उनके प्रति बहुत श्रद्धा, भावना, प्यार, सम्मान दीदी के प्रति हो गया। और जब कानपुर में रहे, बाबा ने कानपुर से विदाई ली, दिल्ली आए, तो सभी को जिन जिन को बाबा के साथ आना था वो तो सब चले गए। अब चूंकि हम नए थे, हमको यही नहीं पता किसके साथ जाना है, कब जाना है स्टेशन पर। दीदी लास्ट में बाबा के साथ जा रही थी तो मैं ऐसे ही लाइन में खड़ी थी, बाकी सब स्टेशन जा चुके थे। हमारी मिठी गंगे दादी तो पहले से स्टेशन पहुंच गई थी, आता मोहिनी दादी भी पहुंच गई थी, सबका सामान ट्रेन में चढ़वाना करना। तो लास्ट में दीदी बाबा के साथ कार में जा रही थी तो दीदी ने देखा ये तो खड़ी है, और वहां की जो कर्मा माता थी कानपुर की, जहाँ बाबा आए हुए थे कोठी में, वो भी दीदी के साथ, बाबा के साथ कार में थी। दीदी ने मेरे इसको देखा, ये खड़ी है, अरे इसका तो प्रोग्राम दिल्ली जाने का है और ये यहाँ खड़ी है। तो मेरे को बुलाया, कहा कि तुम गई नहीं। मैंने कहा दीदी मुझे तो पता ही नहीं कि किसके साथ मुझे जाना है, कौन ले जाएगा स्टेशन। तो दीदी ने बहुत प्यार से मुझे बुलाया, कार में जगह नहीं थी लेकिन दीदी ने अपनी गोदी में मुझे बिठा लिया, कहा आओ तुम मेरे साथ चलो। तो एक प्यार तो वो था दीदी के प्रति जो बाबा को मैसेज दिया, दूसरा और भावना बैठ गई कि देखो दीदी माँ बन करके, कहा दीदी की जो पोजीशन है और मैं जो गांवड़े से आई हूँ, दीदी ने बहुत प्रेम से गोद में जैसे माँ बच्चे को बिठाती है ऐसे बिठा करके मुझे स्टेशन लेके गई। दीदी हर समय मेरा ख्याल रखती थी। उसके बाद तो बाबा ने मुझे अमृतसर भेज दिया था। फिर जब मैं मधुबन में आई तो मधुबन में मम्मा तो बॉम्बे में थी, दीदी बाबा के साथ राइट हैंड बन के चल रही थी, पार्टी को देखना, पार्टी को संभालना, सब कुछ करना ये दीदी देखती थी। जब तक मम्मा नहीं आए तो दीदी होती थी, मैं दीदी को देखा करती थी, परंतु कभी गुड मॉर्निंग करने का मुझे कभी मालूम भी नहीं था कि सवेरे उठ के जा करके दीदी से या बाबा से गुड मॉर्निंग करना है। तो दीदी ने मुझे सिखाया, कहा जो सवेरे उठो तो यहाँ स्नान पानी करके गुड मॉर्निंग करने आओ, ये हमारा परिवार है, तो जितना नजदीक आएंगे उतने राजधानी में नजदीक होंगे, यहाँ अगर दूर दूर रहेंगे तो यहाँ से दूरियां सतयुग में राजधानी में भी दूर दूर ही रहेंगे, तो तुमको घराती बनना है, बराती नहीं बनना है, तुम घर वाले होके रहो। तो दीदी ने बहुत अच्छा तरीका सिखाया कि एक फूल लेकर के आओ, बाबा को भी देके गुड मॉर्निंग करो और मेरे को भी देके गुड मॉर्निंग करो। तो सुबह सुबह का जो आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, खुशी मिलती है, वो सारा दिन रहती है। और ऐसे ही नजदीक आएंगी, ऐसे परिवार के साथ घुल मिल जाएंगी, और नहीं तो दूर दूर रहेंगी तो दूर दूर वाले नहीं बनो। वो शिक्षा जो दीदी ने दिया, तो मैं रोज जा करके झोपड़ी के पास जो फूल लगे होते थे बाबा के, वो मैं तोड़ के लाके और मुस्कुराते हुए, दीदी ने कहा मुस्कुराते हुए देना और दृष्टि लेते हुए देना। तो जो विधि दीदी ने सिखाया वो मैंने फॉलो किया। इसी तरह से दीदी बहुत कार्य करती थी, और मैंने देखा कि दीदी मम्मा की तरह ही बाबा के मुरली की मस्तानी थी, या यूं कहें दीवानी थी। तो दीदी के अंदर दो विशेषता एक साथ दिखाई देती थी, बल्कि तीन विशेषता। यदि दीदी के अंदर वात्सल्य था, माँ का रूप था, तो दीदी शिक्षक का भी रूप थी, माँ के साथ टीचर का रूप झलकता था। और जब क्लास में दीदी जाती थी, बाबा के मावा के उच्चारण होते थे, तो स्टूडेंट का रूप दिखाई देता था, दीदी विद्यार्थी बन जाती थी, और एकाग्र बुद्धि हो करके बाबा जो मुरली चला रहे हैं बहुत ध्यान से सुनती थी, और डायरी में दीदी नोट करती थी, और नोट करने के बाद उसको रिवाइज करती थी, उसकी समरी बनाती थी, मुख्य मुख्य पॉइंट निकालती थी। तो कभी कभी दीदी कहती थी सुनो देखो आज बाबा ने मुख्य मुख्य पॉइंट क्या सुनाया है, तो वो मुझे सुना देती थी। और मैंने देखा जब दीदी किसी को पत्र लिखती थी तो ऐसे साधारण ही लिखती थी, पहले तो याद प्यार नूरे रतन बाबा के करके लिखा जो भी टाइटल लिखना है बाबा के बच्चों को, फिर दीदी समाचार की लेन देन से पहले बाबा की मुख्य चार पांच पॉइंट लिख करके पत्र में, फिर और समाचार लिखती थी,
और मुझे कहती थी देखो कभी पत्र लिखना हो तो पहले बाबा के महावाक्य से शुरू करो कि आज बाबा ने क्या क्या बोला है, धारणा की पॉइंट क्या है इसके अंदर, तो वो लिख करके फिर पत्र में जो लिखना है वो लिखा जाएगा। तो दीदी इसी प्रकार से लिखती थी। तो दीदी के अंदर जैसे बताया वात्सल्य भी था, तो टीचर का भी रूप था और साथ में विद्यार्थी का भी रूप था। उसी समय कोई चेयर नहीं होती थी, कोई कोच नहीं होता था, सोफा, सभी लोग जमीन में बैठ करके ही मुरली सुनते थे और बाबा सुनाते थे। तो दीदी को मुरली सुनने के टाइम भी बाबा के बच्चे याद आते थे कि ये पॉइंट उनको लिखेंगे भेजेंगे, तो उनका भी मन में बहुत अच्छी ऊंची धारणा बन जाएगी, तो याद रहता था। जैसे साकार में बाबा 20-25 भाई बहनों के बीच में भी मुरली चलाते थे, लेकिन बाबा सारे विश्व की आत्माओं को सामने रख करके उसी लहर से उसी फलक से सबको देख करके जैसे ग्लोब पे बैठ के मुरली चला रहे। तो दीदी भी मुरली सुनते समय जो नोट्स लेती थी, दीदी की भी नजरों में पूरे विश्व की आत्माएं और बाबा के बच्चे तो विशेष करके होते थे। दीदी के आंखों में दो रूप दिखाई देता था, एक तो स्नेह का स्वरूप और दूसरा शक्ति स्वरूप। देखने में भी लगता था कि दीदी का डबल पार्ट एक साथ चल रहा है, स्नेह रूप भी शक्ति रूप भी। दीदी हमेशा मुस्कुराती रहती थी और उसके बाद जब मैंने फूल देना शुरू किया तो मैं दीदी के बहुत नजदीक हो गई। तो दीदी कुछ ना कुछ बातें मुझे सुनाती रहती थी जिसमें स्व उन्नति समाई हुई है। कभी दीदी अपनी बात भी सुना देती थी, कहती थी देखो जब मैं बात दे रही थी तो कौन सा गीत गाती थी पता है, तो मैं कहती थी नहीं दीदी मुझे नहीं पता, तो दो लाइन दीदी गा के सुनाती थी। मुझे अभी भी याद है कि ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के मैं आई रही, तो ये दीदी का बहुत जैसे मुख पर गीत था और उनको याद आता था कि मैं सारी दुनिया के बंधन को तोड़ के बाबा के लिए आई, सब कुछ छोड़ के आई हूँ। तो बहुत प्यार से दीदी सुनाती थी, कहती थी देखो कितना अच्छा ये गीत है, बाबा के ऊपर समर्पित होने का, बाबा का प्यार में आने का, बनने का। इस तरह दीदी की विशेषताएं कितना मैं आप सबको बताऊं, दीदी के अंदर परख शक्ति बहुत थी। वो चेहरा देख करके परख जाती थी कि इस समय इसके मन में क्या संकल्प चल रहा है, ये किस स्थिति में है। तो जैसे दीदी स्वतः ही बता देती थी, तो परखने की शक्ति बहुत थी दीदी के अंदर। परखने के साथ साथ निर्णय करने की भी शक्ति थी। दीदी फटाफट निर्णय लेती थी क्या करना है और क्या नहीं करना है, करना है तो क्यों करना और कैसे करना है। तो दीदी को देर नहीं लगती थी, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति और सभी को संतुष्ट करने की विशेषता थी दीदी के अंदर, हर एक को संतुष्ट कर देती थी। ऐसे चलते फिरते फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं दीदी के और समीप जाऊं और समीप जाऊं तो कैसे जाऊं और दीदी के साथ थोड़ा और समय बिताऊं। तो मैंने एक रास्ता ढूंढा और जो अचानक ही मेरे मन में आया, मैंने कहा दीदी मैं आपके सिर में तेल लगाना चाहती हूँ, कुछ और नजदीक होंगे दीदी के। दीदी बोली तुमको तेल लगाने आता है, तू नडरी क्या तेल लगाएगी। मैंने बोला नहीं दीदी मैं आपको सिर में जरूर तेल लगाएंगी और अच्छा लगाएंगी। कैसे लगाती हो, मैंने कहा दीदी मुझे चंपी मालिश आती है। कहा वो क्या होता है, तो बताया कि फिर सीखा कहाँ से तूने, बताया दीदी सीखा तो नहीं है देखा है, क्योंकि जब हम लोग लखनऊ में रहते थे छोटे छोटे थे तो वहां पर एक पार्क है जिसको झंडे वाला पार्क अमीनाबाद में कहते हैं। शाम को घर से हम लोग बाहर वहीं चले जाते थे, पार्क में खेलते थे, घर में जगह नहीं होती थी, और देखते थे कि वो तेल मालिश वाला हाथ में एक छोटी सी बकसिया लेकर के वैरायटी तेल उसमें रखता था, तो कहता था कि चंपी मालिश करा लो चंपी मालिश करा लो। तो देखती थी वो चंपी मालिश करता कैसे है। तो दीदी कहती अच्छा मुट्ठी तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगी। तो मैंने कहा दीदी मुझे बहुत थक मैं तेल लगाऊ, इतना सारा दीदी जी करती जा रही मैं जवाब देती जा रही। मैंने कहा दीदी आप एक बार करा के देखो फिर आपको अच्छा लगे तो मेरे से तेल लगवाना। अच्छा चलो लगाओ। फिर मैंने दीदी के सिर में तेल की जब मालिश की दिन में 2 बजे भोजन के बाद, बहुत अच्छा लगा दीदी को, बहुत अच्छा लगा। बोली अरे तुम जो है ना रोज अब मेरे को भले किया करो, बहुत अच्छा करती हो। तो कहावत है कि अंधा एक आंख मांगे उसको 2 मिल जाए, तो मैं दीदी के नजदीक रहूं इस बहाने तेल लगाना मैंने सोचा। अब दीदी कह रही रोज मुझे तेल लगाना, इतनी मुझे खुशी हुई कि देखो दीदी ने कैसे अपना बना लिया और शुरू कर दिया। आओ मैं दीदी को रोज तेल लगाती रही, रोज लगाती रही। तो ऐसे करते करते 3 मास बीत गया। एक बार दीदी ने कहा
कि देखो विद्या, सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, सबका सिर दर्द मैं ठीक करती हूँ और मेरा सिर का दर्द तुम ठीक करती हो। अगर तुमको कभी सिर में दर्द हुआ तो कौन ठीक करेगा, तुम्हें कौन मालिश करेगा? मैं छोटी भी थी, इतना दूर तक सोच भी नहीं सकती थी। दीदी एक थोड़ी क्षण के लिए तो रुक गई, मेरा कोई जवाब नहीं हुआ। दीदी ने बहुत प्यार से दिल से दुआएं दी, कहा विद्या तुमको लाइफ में कभी भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सिर दर्द होगा ही नहीं। इतनी गारंटी से दीदी ने बोला कि कभी भी तुम्हें सिर दर्द नहीं होगा। तो कहते दिल की दुआ खाली नहीं जाती है। इतने प्यार से दीदी ने दुआ दिल से दिया, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बस इतना ही स्वार्थ था कि दीदी के नजदीक जाऊं। और दीदी जो अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, थोड़ा और मुझे सुनाती रहेंगी और सुनाती रहेंगी, मैं धारण करती रहूंगी। तो इतनी खुशी हुई मुझे और वो दुआ इतनी लग गई दीदी की। प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है कि दीदी को ये दुआ दिए हुए 60 साल हो गया, आज तक मुझे कभी भी सिर में दर्द नहीं हुआ। क्या सर्दी हो, क्या धूप हो, क्या बारिश हो, क्या ओले पड़े सिर पे, सब कुछ हुआ है, लेकिन सिर दर्द क्या होता है मुझे इसका अनुभव नहीं है। कार दुर्घटना 2 बार मेजर हुई है, सब कुछ हड्डियां टूटी, लेकिन सिर में चोट ही नहीं आई जो सिर का दर्द हो। कभी मैंने रुमाल मफलर कुछ भी सिर में नहीं बांधा है और ना कभी गर्म पानी से सिर की धुलाई की थी। ठंडा कहीं हो, चाहे माउंट आबू हो, चाहे किसी भी पहाड़ी पे हो, कहीं पर भी हो। तो इसको कहते हैं दिल से निकली हुई दुआ सदा काम आती है, दुआएं आगे आगे चलती हैं। तो ये मुझे अनुभव है कि दीदी ने बहुत प्यार से दुआ दी थी और बहुत ही दीदी को ये रहता था कि ये सीख जाए, ये अच्छी बन जाए। ये दीदी को भावना थी और मेरी भी भावना थी कि मैं दीदी के अंग संग रहूं, आगे पीछे रहूं। ऐसे करते करते दीदी के साथ हम काफी नजदीक आ गए थे और दीदी का प्यार भी मुझे बहुत मिलने लगा था, दीदी आगे बढ़ाने भी लगी थी। उसके बाद में जब बाबा अव्यक्त हुए, बड़ी दादी दीदी दोनों मिल करके चलाने लगी, तो मैंने देखा कि दीदी का केवल भाई बहनों से प्यार नहीं है, केवल मेरे से नहीं है, लेकिन दीदी दादी की ऐसी यूनिटी होती थी कि लोग कहते थे कि दो बदन दो आत्मा, एक आत्मा, दो बदन है एक आत्मा है, दीदी और दादी की एक ही सोल है। दीदी ने कहा, दादी ने जी कहा और दादी ने कहा तो दीदी ने जी कहा, कभी भी दोनों के विचार में अंतर नहीं आया। जिसको कहने मतभेद हो, विचार भिन्न हो, विचारों में भिन्नता नहीं होती थी। जी दादी और दीदी कहे और दादी कहे जी दीदी, तो सब यही कहते थे कि शरीर दो है आत्मा एक है, क्योंकि जब दोनों एक थे तो ऐसा कोई हो नहीं सकता कि दो के बीच में तीसरा है। दीदी हमेशा कहती थी जब दो के बीच में तीसरा आता है तब कहावत है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जब दो होते हैं तो ठीक है, तीसरा फ्री होता है, इधर की बात उधर करेगा, इधर की उधर करेगा। इसलिए दीदी के साथ बहुत हमारा अच्छा अनुभव रहा। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं थी, दीदी गंभीर भी थी तो दीदी रमणीक भी थी, दीदी हर्षित मुख भी रहती थी तो दीदी ऑफिशियल रूप भी दिखाती थी, और ऑफिशियल रूप दिखाते ही लगता था कि हाँ जैसे हमको ये काम नहीं करना, ये करना है। तो दीदी के साथ तो मैं कितनी विशेषता सुनाऊं, उसके लिए ज्यादा समय चाहिए, लेकिन दीदी में विशेष मुझे जुलाई मास आते याद आती है, दीदी के संग रहे हुए पालना की याद आती है, दीदी के सिखाई हुई बातें मुझे याद आती हैं, और वो मेरे जीवन का एक वरदान। जैसे दीदी जी की माँ बाबा के रूम के बाहर चेयर पे बैठी रहती थी और बुलाती थी मिठड़ी इधर आओ, बस 3 बातें जीवन में धारण कर लो सफलता मिल जाएगी। पहला कहती थी कोई मदर कि जो है सिख सिख जीवन भर सीखना है, मर मर कभी नहीं कहना, हम ही को कहा जाता, हम ही को दबाया जाता, हम ही मरें क्या, तो सिख सिख मर मर और झुक झुक, और झुकेगा वही जिसके अंदर कुछ फल या विशेषता होगी। तो ऐसे ही जैसे दीदी एक एक बात सिखाती थी तो देखा कि कोई मदर भी, दीदी की माँ भी ये सिखा रही है। और दीदी सदा उमंग उत्साह में ले आती थी, हिम्मत बढ़ाती थी, कभी दीदी के मुख से ये नहीं निकला कि ये तो हो नहीं सकता या तो कर नहीं सकती। तो ऐसे ही दीदी के साथ जुलाई मास में बहुत यादें आती है और बहुत मुझे दीदी से प्रेरणा मिली हुई है, प्यार मिला हुआ है। दीदी छोटी छोटी बात सिखाती थी, खाना कैसे खाना वो भी सिखाती थी। एक बार बाबा ने कहा मेरे साथ भोजन करना, दीदी से कहा बच्ची को बुलाना भोजन पे,
तो दीदी ने यह भी सिखाया कि रायल्टी से कैसे भोजन करना है। बाबा तो बहुत सूक्ष्म भोजन लेगा, बिल्कुल फरिश्तों की तरह नाम मात्र लेगा, और तुम उसके आगे ढेर सारा थाली में बैठ के खाएंगी तो ये शोभा नहीं देता है। जिस महान हस्ती के साथ भोजन करना है उसी तरह का करना है और उसी ढंग से करना है। तो दीदी कहती देखो तुम भूखी रह जाओगी, जाओ पहले आधा पेट भोजन भंडारे से खा के आओ और फिर बाबा के साथ थाली में बैठना। तो बाबा के साथ बैठेगी तो रायल्टी से करेगी। तो मैं, बड़ी दीदी और बाबा तीनों जब भोजन पर बैठे तो जैसा दीदी ने सिखाया और कहा कभी भी किसी रॉयल लोगों के साथ भोजन करना है तो उसी रॉयल्टी से भोजन करना है, ऐसे नहीं कि बस पेट भरते जाना है, चार रोटी तीन रोटी खाते जाना है। तो ये भी दीदी ने सिखाया, मना हर एक मर्यादा हर एक विशेषता दीदी सिखाती रहती थी। तो ऐसे ही कहें जैसे एक माँ अपने बच्चे को इतना नहीं सिखाती है लौकिक में पदपक पर, उतना दीदी जी ने हमको सिखाया। और दीदी जी का नाम गोपी, वो सचमुच में गोपी ही थी, बाबा से भी अति प्यार था, जी बाबा जी बाबा। और दीदी यही कहती थी, जैसे मम्मा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, दीदी हर समय यही बोलती थी कि अब घर जाना है, अब घर जाना है। ऐसे करते वो भी समय आया जब दीदी जी घर के लिए हम सबसे विदाई ली 28 जुलाई। फिर बाबा ने मुरली चलाई क्योंकि बहुतों ने कहा कि हॉस्पिटल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। बाबा ने कहा ना भगवान का दोष है ना भगवती का दोष है, कोई दोषी नहीं है। दूसरा, बाबा ने सबके संकल्पों को शांत कर दिया क्योंकि दीदी भी सबके संकल्प को शांत करती थी, ज्यादा किसी के मन में उथल पुथल ना चले, तुरंत शांत हो जाए। तो दीदी बहुत शीतल भी थी, शांत भी थी, शक्ति स्वरूप भी थी और प्रेम से चलाने वाली थी। तो दीदी के अंदर बहुत बहुत विशेषताएं मैंने देखी, तो थोड़े शब्दों में आप सबके सामने शेयर किया और आशा है कि आप सभी ने बहुत दीदी का अनुभव किया होगा। मैंने अपने लाइफ का अनुभव आप सबको सुनाया और दीदी की यादें तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि हम अभी भी दीदी के साथ हैं और दीदी मुझे अभी भी अपनी शिक्षाएं दे रही है। वही तस्वीर नैनों के सामने है, वही दीदी की शिक्षाएं कानों में गूंज रही है। इन्हीं शब्दों के साथ दीदी को बहुत बहुत प्यार से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हैं। और दीदी हमारे साथ है, जब कोई किसी को दीदी कहता है तो मुझे बड़ी दीदी याद आती, क्योंकि उस समय यज्ञ में केवल दीदी को ही दीदी कहती थी। आज तो छोटी बहनें भी अपने सेंटरों में दीदी कहलाती हैं, लेकिन उस समय इतना रिगार्ड सभी दीदी का रखते थे कि कोई भी अपने आप को दीदी कहलाता ही नहीं था। दीदी माना मनमोहिनी दीदी, और कोई दीदी है ही नहीं, इतना सबको दीदी के प्रति रिगार्ड था। तो वो दीदी अभी भी जब शब्द सुनते हैं तो मुझे अपनी मनमोहिनी दीदी याद आती है कि दीदी तो वही है, फिर एक शब्द लगाना पड़ता बड़ी दीदी, कि वो सबसे बड़ी यज्ञ की रही तो बड़ी दीदी। तो इस तरह दीदी ने सबकी पालना की, सबको किया और समय अनुसार थोड़े समय में दीदी का अनुभव रखने की मैंने कोशिश की। ओम शांति।